मगरे ने सा जा जा रे अपने मंदिर वा जा जा रे अपने मंदिर वा सुन पावेगी सास नन दिया जा जा रे अपने मंदिर वा जा रे अपने मंदिर वा सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है तू सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है क्या तुम हमको छल न दिया जा रे अपने मंदिर जा रे अपने। भीम पलासी का राग, भीम पलासी का ये छोटा ख्याल कैसे हारमोनियम पर बजाएं और कैसे इसे गाएं, इसके क्या नोटेशंस है, इसमें क्या ताल लगती है, कैसे इसको हम सीख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए और जानिए राग भीम पलासी का ये ख्याल जा रहे अपने मंदिर वा कैसे गाया जाता है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। ये छोटा सा एक भीमपलासी का एक चलन है ना। आप जैसा कि अगर भीमपलासी को थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा तो उसके ये स्वरूप है कि निसा गमा पा निसा, निषाद से, कोमल निषाद से वो राग शुरू होती है ना। कोमल नी इसमें प्रयोग होता है और कोमल गंधार प्रयोग होता है क्योंकि काफ़ी धाट की एक राग है ना। और आरोहात्मक में, आरोहात्मक जब स्वर जाते हैं तो ऋषभ और धैवत वर्जित हैं यानी नहीं लगते हैं, निसा गमा पा निसा। और अवरोहात्मक में धैवत और ऋषभ दोनों लग जाते हैं, सा नी द प म ग रे सा। तो आइए इसमें बंदिश जो है वो कैसे है उसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको उसके शब्द बता दूं, जा रे अपने मंदिर वा, ये अक्षर हैं, ये शब्द हैं उसके, जा रे अपने मंदिर वा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी लिखे आ रहे हैं मगर मैं रिसाइट भी कर देता हूं। सुन पावेगी सास ननदिया, सुन पावेगी सास ननदिया, ये उसके बोल हैं। अंतरा आता है सुन हो सदा रंग, सदा रंग अदा रंग जो है उन्होंने लिखा हुआ है ये ख्याल, तो उनका नाम आ रहा है, पेन नेम है उनका सदा रंग। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत हैं, सुन हो सदा रंग तुमको चाहत हैं, क्या तुम हमको छल न दिया, है ना, न दिया, ये आएंगे इसमें। कई लोग इसको छग न दिया भी पढ़ते हैं, कई वर्जन्स हैं, मैं आपको वो वर्जन समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने सीखा है। कंपोजिशन में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मगर मोटे मोटे तौर पे वही होगी, है ना। आप उसको सीख सकते हैं, बाकी और कलाकारों की सुन के थोड़ा और इम्प्रोवाइज उसमें कर सकते हैं। अब इसको देखने वाली बात यह है, ये तीन ताल में निबद्ध है ये बंदिश, है ना। ताल तीन ताल में आती है, आप सभी जानते हैं ताल तीन यानी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये 16 मात्राएं हैं। अब इसका जो स्थाई है वो सातवीं मात्रा से उठता है, जा रे अपने मंदिर वा। ऐसे आप एक बार इसको लिख लीजिए, है ना, 16 मात्राएं लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और विभाग बना लीजिए 4 4 के, और सातवीं पे लिखना शुरू कीजिए जा आ, है ना, उसके बाद एक एस लगाइए। वैसे तो सब नोटेशंस आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और वैसे भी, बट इसको लिखते कैसे हैं वो भी मैं समझा दूं, जा रे अपने मंदिर वा।
ठीक है, ये होगी पहली लाइन। फिर है सुन पावे गी ही, है ना, कैसे जाता है ये, सुन पावे सुन पावे गी, है ना, सुन पावे गी साहस न नदिया जा, है ना। उसके बाद जब दोबारा स्थाई गाते हैं तो जा जा रे नहीं बोलते हैं क्योंकि वो पूरी मात्राएं कवर हो जाती है, फिर सिर्फ जा रे ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्थाई। अब अंतरे पे आइए, अंतरा उसका खाली से ही उठता है, क्या है अंतरा, सो न हो सदा रंग तुम को चाहत है, क्या तुम हम को छल नदी या तो ऐसे गा सकते हैं इसको, या फिर दी या जा जा रे, बड़ा ही सिंपल इसके नोटेशन से, बड़ी ही सिंपल सी कंपोजिशन है, इसको आप लिख भी सकते हैं, वैसे तो स्क्रीन पे आ ही रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हारमोनियम पर कैसे बजाना है और इसमें क्या क्या स्वर लग रहे हैं, है ना। तो अगली फ्रेम आपको हारमोनियम की दिखेगी, मेरे हिसाब से आपने मात्राएं इसकी समझ ली और लिख भी लिया और इसका आपने वो नोटेशंस भी आपने नोट कर लिए होंगे, है ना। अब बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ताल को एक बार हम समझ लें और उसके साथ अगर चलना हो, ख्याल गाना हो, तो वो देखने वाली बात है, है ना। अब इसमें एक बार सुन लीजिए इस ख्याल को, जा जा रे पगरे सा। अब वैसे नोटेशन अगर आप स्वर के स्वर एकदम चलें बीट टू बीट और स्वर टू स्वर चलें तो जा जा रे पगरे सा, लेकिन क्योंकि इसमें हल्के से ऑर्नामेंट्स का हम यूज़ करेंगे, थोड़ी सी अलंकार का एक थोड़े इसको सुशोभित करने के लिए, तो जा 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 मध्यम का हल्का सा स्पर्श हमने लिया, वो नोटेशन में कहीं नहीं नज़र आ रहा है पर गायकी में आएगा, जा जा रे रे रे, है ना, ऋषभ पे ही रे अक्षर है, जा जा, जब जा है ना हल्का सा एक आंदोलन किया गंधार पे ही तो मध्यम का स्पर्श था, जा जा रे अपने अपने आ, 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 आ। अब इसमें भी सा से जो है ऋषभ छूके गया है, आ, प, प, यहां भी सा से ही नी पे आए हैं, प ने जा जा रे अपने मंदिर सा मा मा ग, ग। अब ये जो ग पे ग जो है वो मध्यम पे पंचम का कण है, ग, और मध्यम पे ही थे और तभी ग बोल लिया, ग, है ना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली। फिर आ सोना बा सोना सोना सोना, वैसे नोटेशन में तो ये है ग मा पानी सा गा रे सा, लेकिन हम जब गा रहे हैं तो गायकी कैसे, सोना पंचम का हल्का सा स्पर्श लेके मध्यम लगाया, सुना पा पा, यहां सा को छू के नीचे आए, पावे यहां सीधा ही है, सुना पावे गी गी गी, यहां भी गी यानी जो ऋषभ पे लगा है तार सप्तक के उसमें सा का हल्का सा स्पर्श है, गी, है ना, यानी कण सा एक है हरकत है हल्की सी, सुना पावे गी सास न सारे नी सास न दिया ने दब मग, है ना, इसे अलग अलग तरीके से आप गा सकते हैं, सास न दिया सास न दिया, है ना, धैवत ना लगाएं तो भी ऐसे भी आ सकते हैं, सारे नी सानी भग, है ना। फिर सुन हो सदा रंग पप पप मणि पम ग, सुन हो सदा रंग पप पप मणि पम ग, तुमको चाहत है पानी सा सा, क्या तुम हमको निसा गर निसा, क्या, अब यहाँ सा से ही कर्ण जो है स्पर्श जो है नीचे लाया गया है, क्या तुम हमको छल न दिया, छल न दिया, है ना,
छल न दिया सा प म ग, ऐसे भी लाया जा सकता है, छल न दिया जा जा, छल न दिया नि द प म, ऐसे भी लाया जा सकता है। कई इसके तरीके हैं अलग अलग, आप और सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब एक बार हारमोनियम की फ्रेम देख लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या इसमें नोटेशंस लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं पहली काली से आपको बता रहा हूँ, ये सा है, ये कोमल नी है मंद्र का, सा ग कोमल, म प कोमल नी, सा सा नी शुद्ध ध प म ग, ये रे शुद्ध और ये सा, तो ये भीमपलासी के सुर हैं, नी सा ग म प नी सा सा नी द प म ग रे सा, है ना। तो जो नोटेशन थे उस हिसाब से जा जा रे अपने मन देर वा जा जा। अब ये हल्का सा स्पर्श आप देखिए, है ना, ये स्पर्श मैं बाद में आपको क्लियर करूंगा, एक बार बेसिक ढांचा एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। जा जा रे अपने मन देर वा जा जा रे अपने मन देर वा, सुन पावे गम बनी जा गे जा, सुन पावेगी सा सन न दिया जा जा, है ना। सुन हो सदा रंग पा 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 मणि पम ग म पनी सा 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 नी सा ग रे सा सा नी सा प ग, है ना। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको छल न दिया, नी नी सा सा प म ग, एक तो ये है और एक नी नी सा सा नी धा प म ग नी नी सा सा नी प ग, है ना, ये भी कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जा जा मध्यम हल्का सा छू के लाया हूं मैं, जा जा रे 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 रे, हल्का सा रे का साका स्पर्श लेके, जा जा रे अप अप ने मंदिरवा मंदिरवा, हल्का सा प लगाया फिर ग, जा गमनी प, है ना, हल्का सा नी का स्पर्श है, जा जा रे ये आप देखें तो हल्का सा ग का ये लगाया है, जा जा रे रे अप आ, फिर सेकंड लाइन, सुन पावे हल्का सा स्पर्श जा रहा है ग म, है ना, हल्का सा का स्पर्श यहाँ पे, हल्का सा प का यहाँ पे, है ना, रे को म से छुआया है और फिर ग लगाया है, है ना। यहां भी वही हरकत है, यहां भी वही रे और ग का हल्का सा कर्ण, ठीक है। फिर अंतरा प प प प म नि प म ग म प नि सा प प प प म नि प म ग म प नि
ra ra na ni sa ga re sa ni sa pa ma ga ni sa ni pa ma ga ni sa ni pa ma ga ja ja re। तो ये छोटा सा एक इसका स्वरूप है। ऐसे देखते रहें हमारे चैनल पर और ऐसे ही मैं कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।